हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब लोग। तो अभी आज का मैं टॉपिक टेस्ट आपके लिए लेके आ चुका हूं। तो आज हमने जो आपके लिए टॉपिक टेस्ट लाया है वो लाया है एनवायरनमेंट इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी के ऊपर। तो आज का टॉपिक है हमारा एनवायरनमेंट इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी के ऊपर। आज आपको 10 क्वेश्चन करवाए जाएंगे और देखते हैं कि आपके कितने मार्क्स जो हैं 10 में से आज के पेपर में आते हैं। तो कोशिश कीजिएगा कि 10 में से 10 मार्क्स आपके आएंगे, क्योंकि आपने जो है काफ़ी अच्छे तरीके से एनवायरनमेंट इकोलॉजी और बायोडायवर्सिटी जो है वो पढ़ी होगी, तो इसलिए आपके 10 में से 10 मार्क्स जो है इसमें आने चाहिए। अगर आप FAA की तैयारी कर रहे हैं गाइस, तो मैं आपको बता दूं कि आपको हम डेली टॉपिक टेस्ट दे रहे हैं। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद जो है प्लेलिस्ट में जाके फा सेक्शनल टेस्ट में आपको जो है सारे टॉपिक टेस्ट जो भी हमने अपलोड किए हैं वो मिल जाएंगे, वहाँ पे जाके आप जो है सब्सक्राइब कर सकते हैं। और उसके साथ साथ अगर आप JKPSI और VLWO की तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए हमने फ्री ऑफ कास्ट मॉक टेस्ट अपनी ऐप पर रखे हुए हैं। हमारी ऐप को आप डाउनलोड कर सकते हैं प्ले स्टोर से JKSSB स्पेशल के नाम से, और वहाँ पर जाके आप स्टोर में जाके उन फ्री ऑफ मॉक टेस्ट को उनका बेनिफिट ज़रूर जो है वो उठाएँ आप। तो आई होप आपको ये समझ आई होगी। तो बाकी अगर कोई मेरे साथ जो है पर्सनली जो है वो इंटरेक्शन करना चाहता है, तो टेलीग्राम पे आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। और टेलीग्राम में आप मेरे को पर्सनली मैसेज कर सकते हैं गौरव शर्मा के नाम पे, तो वहाँ पे आप मुझे मैसेज करें। तो टेलीग्राम में पहले आपको जो लिंक डिस्क्रिप्शन में दूंगा उसको ज्वाइन करें, और वहाँ से मेरा नाम सर्च करके आप जो है मुझे मैसेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको समझ आई होगी। तो पहला क्वेश्चन आज का जो है आपकी स्क्रीन पे आ चुका है। तो पहला क्वेश्चन है, हु इज़ द फादर ऑफ इकोलॉजी। तो आपको बताना है कि इकोलॉजी के फादर जो है वो किसको कहा जाता है। क्या इसका ऑप्शन जो है अर्नस्ट हैकल है, अलेक्सेंडर वॉन हम्बोल्ट है, यूगिन ओडम है, या रामदेव मिश्रा। तो मैं आपको बता दूं कि अर्नस्ट हैकल जो है इन्होंने इकोलॉजी टर्म को कॉइन किया था। अलेक्सेंडर वॉन हम्बोल्ट जो है इनको फादर ऑफ इकोलॉजी कहा जाता है। यूगिन ओडम जो है ये फादर ऑफ मॉडर्न इकोलॉजी है, और रामदेव मिश्रा की अगर बात करें ये फादर ऑफ इकोलॉजी इन इंडिया है। तो इसका राइट आंसर जो है वो सही रहेगा अलेक्सेंडर वॉन हम्बोल्ट। लेकिन ये चारों नाम जो है आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये चार के चार आपको जो है पता होने चाहिए। तो एक मार्क्स आई होप आपने यहां पे गेन कर लिया होगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ लैंटिक इकोसिस्टम। तो इसमें से कौन सा जो है एक लैंटिक इकोसिस्टम है आपने बताना है। तो इसमें से अगर बात करें, लैंटिक इकोसिस्टम होता है जो रुका हुआ। तो रुके हुए की अगर हम बात करें, तो इसमें अगर देखें हम तो रिवर्स जो हैं वो बहते रहते हैं, स्ट्रीम्स भी जो हैं, नदी नाले अगर देखें हम तो वो भी बहते रहते हैं, लेकिन लेक्स एक जो है ये एक लैंटिक इकोसिस्टम है, ये बात आप याद रखेंगे। आई होप आपने यह लोटिक और लैंटिक के बारे में पढ़ा होगा। ये दोनों लोटिक हैं, ये लैंटिक इकोसिस्टम है। आई होप आपको ये समझ आया होगा। तो लेक इज़ द राइट आंसर। तो आगे चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आई होप आपका स्कोर जो है 2 out of 2 जो है अभी तक होगा। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। द लेवल थ्रो विच फूड एनर्जी पासिस फ्रॉम वन ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द अदर ग्रुप आर कॉल्ड। तो इसको क्या कहा जाता है, ट्रैफिक लेवल, ट्रैफिक स्ट्रक्चर, एनर्जी लेवल, या नन ऑफ दीज। तो इसका राइट आंसर बताएं आप कि वो लेवल जिसमें फूड एनर्जी जो है पास करती है एक ग्रुप से दूसरे ग्रुप तक, उसको क्या बोलते हैं। एनर्जी लेवल उसको नहीं बोलते हैं, ट्रैफिक स्ट्रक्चर भी नहीं बोलते हैं। तो ट्रैफिक लेवल इज़ द राइट आंसर, और ये एक आसान क्वेश्चन था। आई होप सब ने इसका आंसर दिया होगा। तो आई होप 3 में से 3 स्कोर जो है आपका इस वक्त जो है वो चल रहा हो। अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। फाइटोप्लैंक्टन्स आर, तो फाइटोप्लैंक्टन्स क्या होते हैं, प्राइमरी प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स, टर्शरी कंज्यूमर्स। तो इसका राइट आंसर आप मुझे बताएं। तो फाइटोप्लैंक्टन्स जो हैं इनकी अगर बात करें तो ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये बात याद रखेंगे। उसके बाद जो ज़ूप्लैंक्टन्स आते हैं उनको जो है प्राइमरी कंज्यूमर्स बोला जाता है। तो इसलिए जो फाइटोप्लैंक्टन्स होते हैं वो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं, ये बात आप याद रखेंगे। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन भी जो है सही दिया होगा। तो स्कोर आपका जो है 4 out of 4 अभी तक चल रहा होगा, आई होप, मैं ऐसा मान के चलता हूँ। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, द फ्लो ऑफ एनर्जी इन इकोसिस्टम इज़। बिल्कुल इजी क्वेश्चन, अगर आपने थोड़ी सी भी पढ़ी है एनवायरनमेंट इकोलॉजी बायोडायवर्सिटी, तो ये एक इजी क्वेश्चन रहेगा कि एनर्जी का फ्लो कैसा होता है इकोसिस्टम में। यूनि डायरेक्शनल होता है, बाई डायरेक्शनल होता है, मल्टी डायरेक्शनल होता है, या नन। तो ये बिल्कुल ईजी सा क्वेश्चन है। जो इकोसिस्टम में फ्लो होता है एनर्जी का वो यूनि डायरेक्शनल होता है। तो आई होप आपने ये राइट आंसर दिया, और 5 में से 5 मार्क्स अभी तक जो हैं वो गेन जो हैं वो कर लिए होंगे। तो अगले क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। अगला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग पैरामिड इज नेवर इन्वर्टेड। तो कौन सा पैरामिड है जो कभी भी इन्वर्ट नहीं होता है। पैरामिड ऑफ नंबर, पैरामिड ऑफ बायोमास, पैरामिड ऑफ एनर्जी, या नन ऑफ दीज। तो पैरामिड ऑफ नंबर जो है इक्वेटिक के केस में इन्वर्टेड होता है, और बायोमास वाला भी इक्वेटिक के केस में जो है इन्वर्टेड होता है, लेकिन पैरामिड ऑफ एनर्जी जो है ये कभी भी जो है आपको इन्वर्टेड नहीं देखने को मिलेगा, ये हमेशा अपराइट होता है। तो कमेंट सेक्शन में आप मुझे बताएं कि ये जो पैरामिड्स का कंसेप्ट था ये किसने दिया था, उनका नाम आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। ये क्वेश्चन भी JKSS भी पूछ लेती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे, ये आपका सेवन्थ क्वेश्चन रहेगा, सक्सेशन ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म ऑन डेड मैटर। तो वो सक्सेशन, उस सक्सेशन का नाम बताना है जो कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म करते हैं डेड मैटर के ऊपर। क्या उसको हेलोसीर बोलते हैं, सीनाइल बोलते हैं, लिथोसीर बोलते हैं, जीरोसीर बोलते हैं। तो जीरोसीर की अगर बात करें, ये ड्राई हैबिटेट में होती है। लिथोसीर की बात करें तो ये बेयर रॉक पे होती है। तो हेलोसीर जो है ये सलाइन वाटर में होती है, लेकिन जो सीनाइल होती है ये आपको देखने तो सॉरी गाइस, तो सिनाइल जो है ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म सक्सेशन करते हैं डेड मैटर के ऊपर। तो आई होप आपने ये क्वेश्चन भी सही आंसर दिया होगा, 7 में से 7 आपका स्कोर अभी तक जो है चल रहा होगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, अगला क्वेश्चन है, टर्म बायोडाइवर्सिटी इज कॉइंड बाय। तो थोड़ा सा यहां पे गले में कुछ हिचकिचाहट आ गई थी, सॉरी गाइस। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म जो थी वो किसने दी थी, ये आपने बताना है। तो बायोडाइवर्सिटी टर्म क्या वाल्टर जी रोजन ने दी थी, थॉमस लवजॉय ने दी थी, या नॉर्मन मेयर्स ने दी थी, ये आपने राइट आंसर बताना है। तो जल्दी गाइस इस क्वेश्चन का आंसर आप जल्द से जल्द बताएं कि जो बायोडाइवर्सिटी टर्म थी वो किसने कॉइंड की थी। तो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो वाल्टर जी रोजन। जो बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म थी वो दी थी थॉमसन लवजॉय ने, ये बात याद रखेंगे। और बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट टर्म जो थी वो नॉर्मन मेयर्स ने दी थी, तो ये बात आप याद रखेंगे। तो बायोडाइवर्सिटी की टर्म जो कॉइन की थी वो वाल्टर जी रोजन ने की थी, और ये अगर हम बात करें 1986 में की थी। और बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी टर्म जो थी वो थॉमस लवजॉय ने दी थी 1980 में। तो आई होप ये दोनों क्वेश्चन आपके जो हैं राइट गए होंगे। तो ये नाइन्थ क्वेश्चन आपका रहेगा, आई होप आपने 8 में से 8 स्कोर अभी तक किया होगा। तो आगे चलेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफर्स टू ए डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो डैश डैश कौन सी डाइवर्सिटी है जिसको जो है एक पर्टिकुलर एरिया में होती है, विद इन ए पर्टिकुलर एरिया। अल्फा डाइवर्सिटी, बीटा डाइवर्सिटी, गामा डाइवर्सिटी, या नन। तो यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि जो अल्फा डाइवर्सिटी होती है वो विद इन ए पर्टिकुलर एरिया होती है, बीटा डाइवर्सिटी जो है इसमें बिटवीन टर्म आपको देखने को मिलेगी, और गामा जो है ये ऑल ओवर डाइवर्सिटी होती है। तो राइट आंसर रहेगा अल्फा डाइवर्सिटी, ये बात याद रखेंगे। अल्फा डाइवर्सिटी रेफर्स टू ए डाइवर्सिटी विद इन ए पर्टिकुलर एरिया। तो आई होप इसका आंसर सही दिया होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ट्रू अबाउट कोरल रीफ्स। तो कोरल रीफ्स के रिलेटेड कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। तो ये लास्ट क्वेश्चन होगा, तो इनको रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशियंस बोलते हैं, क्या ये सही है। पार्ट ऑफ मरीन इकोसिस्टम, ये आप देख लें। फार्म्ड बाई कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स, और नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर जो है वो न्यू दिल्ली में। तो गाइज आप बताएं इसमें कौन सी स्टेटमेंट सही नहीं है। तो मैं आपको बता दूं कि रेन फॉरेस्ट ऑफ ओशन बोलते हैं, ये सही है। पार्ट ऑफ मरीन इकोसिस्टम, ये भी सही है। फार्म्ड बाई कॉलोनीज ऑफ कोरल पॉलिप्स, तो ये भी सही स्टेटमेंट है, लेकिन ये स्टेटमेंट गलत है कि नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर जो है वो न्यू दिल्ली में नहीं है, बल्कि ये आपको देखने को मिलेगा पोर्ट ब्लेयर में। पोर्ट ब्लेयर जो कि ये अंडमान निकोबार की कैपिटल है, वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा नेशनल कोरल रीफ रिसर्च सेंटर। तो ये आपको न्यू दिल्ली में देखने को मिलेगा। तो ये थे आज के 10 के 10 क्वेश्चन। आई होप आपने 10 में से 10 स्कोर किया होगा। जितना भी स्कोर आपने किया है आपने कमेंट सेक्शन में बताना है, ऐसे हम एक आइडिया लगाते हैं कि कंपटीशन किस लेवल पे है। तो कमेंट सेक्शन में सही सही अपना स्कोर जो है आपने लिखना है, नेगेटिव मार्किंग को कट करके। तो बाकी चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और शेयर करना चैनल को ना भूलें। और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू गाइज़।